टोल नाका खुलने के बाद से मतलब देवरी गांव के कुछ युवाओं के साथ कुछ विवाद भी हुआ था और टोल पे जो है काफ़ी बवंडर हुआ था। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी दसवां मंडल ने ये तय किया कि वहाँ पर जो है टोल नाके में जिस तरह की परेशानियाँ हो रही है, आसपास के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के किसान हैं, जहाँ आवाजाही करते हैं एक दूसरे के यहाँ आना जाना, एक दूसरे गांव में जाना, मगर वहाँ टोल नाका के कारण जो है काफ़ी परेशानियों का जो सामना करना पड़ता था, टोल देने के लिए वहाँ मजबूर किया जाता था। तो इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी ने 28 फरवरी को हमने एक ज्ञापन दिया और जहाँ पर वहाँ के टोल के प्रभारी हैं उनसे चर्चा भी किया। बाद में उन्होंने जो है वहाँ बैठक में होने के कारण वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। रेस्ट हाउस में उनके प्रभारी को बुलवाया था और प्रभारी आके भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मंडल के अध्यक्ष, सारे लोगों ने बैठकर चर्चा की। चर्चा में ये सहमति बनी कि टोल नाका भी ठीक से आपका रन करे और क्षेत्र के लोगों को परेशानी भी ना हो, और उसको देखते हुए जनप्रतिनिधियों के लिए और वहाँ जो है क्षेत्र के किसानों के आवाजाही के लिए उन्होंने टू व्हीलर को फ्री किया है, और जो ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर है, जो कृषि कार्य के लिए जाते हैं, इनको फ्री करने के लिए उन्होंने सहमति दी है। साथ में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो आना जाना करते हैं वहाँ, जो 15-20 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, उनके लिए वो सुविधा प्रदान करने के लिए उन भी सहमति प्रदान की है, तो टोल नाका ठीक से चले। उसके साथ वहाँ जब तक जो है उस रोड में जो ऐसा दरसिवा से लेके जो जहाँ से प्रारंभ हुई है तरपुंगी तक, वो ऐसी सड़क है कि वो जो है खूनी सड़क बन गई है, जहाँ आए दिन एक्सीडेंटों के कारण ज़्यादा परेशानियाँ होती है। चिल्तरा एक पॉइंट है जहाँ पर आज तक 50 से ज़्यादा जो है वहाँ बच्चे से लेके वहाँ मजदूर जो काम करने जाते हैं फैक्ट्रियों में, वो वहाँ पर एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो गई। इसको लेके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों में काफ़ी जो है वहाँ आक्रोश है। हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की है और उनसे भी चर्चा की कि NHAI को एक ज्ञापन सौंप के और वहाँ अंडर ब्रिज वगैरह क्या बनाया जा सकता है, उसके लिए DPR कलेक्टर के माध्यम से भी अनुमति वहाँ एक पत्र लिख के उसको दिया जाए। साथ में हमने जो सर्विस लेन है, वो सर्विस लेन में बड़े वाहन चलते हैं, जिसके कारण सर्विस लेन से जो गांव के लोग आवाजाही करते हैं, या टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स जो छोटे छोटे गांव के लिए, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो टू वो अभी जो सर्विस रोड भी पूरी तरह से बनी नहीं है, तो हमने चर्चा की है और NHAI से भी चर्चा हुई है। NHAI ने शीघ्र जो है उस सड़क को जो है पूर्ण करने के लिए और उनके टेंडर्स वगैरह लगाए जाने की बात कही है कि टेंडर्स लग गए हैं और करीब करीब जो है 30 करोड़ की सर्विस लेन वहाँ बनाई जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में ये भी बात कही है कि हम उनको जो है एक जो है कार्ड उपलब्ध करा देंगे, वो मंथली कार्ड ले ले और मंथली कार्ड के माध्यम से हम जो है उसमें रियायत दे देंगे, 200-250 रुपये का जो है मंथली कार्ड उनको उपलब्ध करा देंगे, जो 15-20 किलोमीटर के आसपास में जो 10-15 किलोमीटर के एक दूसरे गांव में जाते हैं, उनके लिए जो ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी उन्होंने सहमति दी है।